नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल 22 जनवरी और 10 जनवरी महिला फिजिकल एग्जाम के बारे में जानकारी देंगे और यह जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी प्रकाशित की गई है उसी के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि 22 जनवरी और 10 जनवरी के फिजिकल एग्जाम में कितने महिला अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं और कितने महिला अभ्यर्थी हाइट की वजह से अनक्वालिफाई हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आप लोगों ने द एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग द एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, 22 जनवरी महिला फिजिकल एग्जाम की बात करें तो शुक्रवार को टोटल 1200 महिला अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था और उस दिन 974 महिला अभ्यर्थी फिजिकल एग्जाम में भाग लिए थे। दौड़ में 231 महिला अभ्यर्थी असफल हो गए थे, 743 महिला अभ्यर्थी सफल हुए थे। ऊंची कूद और गोला फेंक में 28 महिला अभ्यर्थी असफल हो गए थे और 715 महिला अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसी तरह ऊंचाई माप यानी हाइट में 162 महिला अभ्यर्थी असफल हो गए थे और 553 महिला अभ्यर्थी 22 जनवरी के फिजिकल एग्जाम में सफल हुए हैं और उनका सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए भेजा गया था। उसके बाद 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी शनिवार को भी 1200 महिला अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था और उसमें से दौड़ में 259 महिला अभ्यर्थी असफल हो गए थे और 718 महिला अभ्यर्थी फिजिकल एग्जाम में सफल हुए थे। ऊंची कूद और गोला फेंक में 28 महिला अभ्यर्थी असफल हो गए थे और 690 महिला अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसी तरह हाइट माप में 184 महिला अभ्यर्थी असफल हो गए थे और उस दिन 506 महिला अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो दोस्तों, 22 जनवरी और 23 जनवरी के महिला फिजिकल एग्जाम की जानकारी आप लोगों को मिल गई है और न्यूज़पेपर के माध्यम से यह जानकारी आप लोगों को अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए यह जानकारी हम आप लोगों को फिर से दिए हैं। तो दोस्तों, बाकी आगे की जानकारी के लिए आप लोग द एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।